कल की मूवी का एक और ट्रेलर आ गया जो कि रिलीज होने से पहले ही लीक हो गया था। उसके फुटेज जब इंटरनेट पे घूमने लगे तो ऐसे और लीक्स आए कि वो आज के दिन सुबह 11 बजे ऑफिशियली रिलीज कर सकते हैं। तो मैं सुबह से हाथ मल के बैठा हूँ कि हाँ ट्रेलर आएगा, वीडियो बना के फटाक से डालेंगे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की शाम को 6 बजे करेंगे। हमने बोला कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार, फिर 6 जब बजने आते हैं तो बताते हैं कि नहीं 8 बजे करेंगे। और 2 घंटे एक्स्ट्रा इंतजार करने के बाद 8 बजे ट्रेलर नहीं आता। लेकिन क्या करें, बड़ी पिक्चर है, घर चलना है, तो नाराज नहीं हो सकते। इंतजार कर रहे हैं ऑलमोस्ट 9 बजे जाके वो लोग इसका जो ट्रेलर गिराते हैं वो सिर्फ तेलुगु में, हिंदी वर्जन 9:30 बजे रात के, पिक्चर तो टाइम पे आ जाएगी ना, उम्मीद ही लगा सकते हैं कि आ जाए। 5-6 दिन बाकी है रिलीज में, तब तक क्या करें, ट्रेलर को एनालाइज। सबसे पहली बात, ट्रेलर अपने आप में अच्छा था और अपने को कई सारे नए शॉट्स देखने मिले जो कि अच्छे हैं, कुछ तो दिखने में बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन्हीं को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन। जितने सारे भी नए फुटेज हमने देखे वो एक तरीके से कंटिन्यूएशन था पिछले ट्रेलर के पैटर्न का। अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण, इवन कमल हसन और एक्शन ऑलमोस्ट सेम प्रोपोर्शन में, बस शॉट्स दूसरे हैं। और पिक्चर के प्लॉट के बारे में कुछ भी मेजर रिवील नहीं किया। क्यों पॉइंट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पूरी पिक्चर 3 घंटे की होने वाली है, ऑफिशियल सर्टिफिकेशन मिल चुका है 3 घंटे। और इसके दोनों ट्रेलर देखने के बाद जो फिशी फीलिंग आ रही थी ना, वो यही है कि इन्होंने अपने को बहुत कुछ नहीं दिखाया अभी तक। तो आई जस्ट होप कि जो चीजें बचा के रखी हैं उसमें पिक्चर की कॉमेडी, हीरो के सिली मोमेंट्स नहीं, बल्कि इस वर्ल्ड को बिल्ड करने के लिए और इसकी स्टोरी को सीरियस बनाने वाली चीजें। आई डोंट नो इसका हिंदी ट्रेलर आधे घंटे बाद क्यों निकला, लेकिन उसके कुछ डायलॉग्स उतने क्लियर नहीं थे जितना तेलुगु वर्जन में लगे। लेकिन फिर मेरे को रियलाइज होता है कि बैकग्राउंड में जो गाना चल रहा है वो अमिताभ बच्चन की आवाज में, सच में उन्होंने नहीं गाया है, पहली बार नहीं है। मूवी के लिए वो काफी सारे गाने गा चुके हैं और इसका जो स्टार्ट होता है वो काफी सही, बीच में थोड़ा कहीं कहीं डिप, लेकिन वो लोग ये गाना एक्चुअली मूवी में यूज करेंगे जहाँ पे उनका कैरेक्टर अश्वत्थामा ये खुद गाना गा रहे हैं, साथ में बाकी लोगों को भी सपोर्ट देते हुए देख सकते हो। इस शॉट में 1:42 पे है जहाँ पर वो लोग केशवा को बुला रहे हैं कि आप आओ लॉर्ड विष्णु। इससे क्या कंफर्म होता है, अमिताभ बच्चन दी MVP पहले लग रहे थे, अब और ज्यादा लग रहे हैं। दोनों ट्रेलर जो अपने सामने रखे उनको देखकर अंदाजा तो यही लग रहा है कि वो मूवी के मेन कैरेक्टर है, स्पेशली जिस तरीके से सेकंड को नरेट भी किया है। उनके बाद कमल हसन काफी चर्चा का विषय होने वाले, क्योंकि इस बार भी 2-3 शॉट ही देखने मिले और वो कितने कमाल के थे। ये सेट वाले ले लो, इसके अंदर छोटे छोटे डिटेल्स, जो कलर यूज किया है, जो पैटर्न है, इट लुक्स डेंजरस येट ब्यूटीफुल। और साइड में अगर नजर गई होगी तो ये ऑब्वियसली इंसान है, मेल फीमेल वो बता पाना मुश्किल, लेकिन साइज कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली एक नॉर्मल ह्यूमन से बड़े हैं। तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया तो इसके अंदर अश्वत्थामा, अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, वो भी बाकी इंसानों से काफी बड़े होने वाले हैं। और इस सेट के अंदर जो साइड में हम लोग देख रहे हैं वो प्रोबेबली उनके साइज के बराबर। तो ऐसा हो सकता है कि कमल हसन का जो कैरेक्टर है उसके लिए नई बॉडीज वहां पे रखी हो। एक और चीज, पिछले ट्रेलर में अपने को डायलॉग से बताया था कि काशी आखिरी सिटी बची है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर, लेकिन नहीं, एक और शहर है जिसको प्रोबेबली शंबाला बुलाया जाएगा और वो हो सकता है कि बाकी दुनिया से हिडन हो, ऐसे कोई भी जाके उसको ढूंढ नहीं सकता। अश्वत्थामा को पता है, इसलिए वो दीपिका के कैरेक्टर को वहां लेके जाते हैं। फिर जब गुंडे लोग आ रहे हैं तो वो अटैक किस पे कर रहे हैं, माउंटेन के ऊपर, मे बी एक इल्यूजन बैरियर या कोई मैजिक हो। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो अपने को नहीं बताई जा रही कि जो ब्रीडिंग प्रोग्राम इसके अंदर चलेगा जिसका पार्ट दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर होने वाला है, ब्लैक कपड़ों में जो यहां देख रहे हो वो उसी सीन में होगा। उनके अलावा और भी काफी महिलाएं हैं, इनको ब्रीड वो कॉम्प्लेक्स में रहने वाले इविल लोग ही कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद क्या है? दो पॉसिबिलिटी, सबसे पहला कली को लेके आना, दूसरा ऐसा हो सकता है कि उनको पता है कल की का आना तय है, तो शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्यूचर होने से रोक दिया जाए पहले, ठीक जैसे कंस करना चाहता था लॉर्ड कृष्णा को लेके। ये थ्योरी क्यों पॉसिबल लग रही है, ट्रेलर के अंदर ही विलन की तरफ से डायलॉग दिया गया, आज को मार देंगे तो कल होगा ही नहीं। उसी से रिलेटेड ये वाला शॉट ले लो जहां पे रेड ट्रायंगल एक डिवाइस है, एक महिला को अंदर डाल दिया और डिवाइस लगाया उनके पेट पे। कल की का ही जो सबसे पहला ग्लिम्स आया था कुछ 10-11 महीने पहले, उसके अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे अंदर जाने से पहले उनका पेट फूला हुआ, तो ये मशीन वाली ट्यूब से वो क्या करना चाहते हैं, 5 दिन रुक जाओ पिक्चर में पता चल जाएगा। लेकिन मेरे हाई होप्स इसको लेके क्यों है, एक रीजन ऐसा भी है कि अब तक अंदाजा लग रहा है पूरी की पूरी पिक्चर सिर्फ एक कैरेक्टर जो कि यूजुअली हीरो होता है उसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगी, जैसे कि यू एक्सपेक्ट कि प्रभास के अराउंड पूरी पिक्चर चले, बट नहीं, मेन स्टोरी कुछ और है, वो इस सब के बीच में टैंगल हो जाता है जस्ट बिकॉज उसको बाउंटी चाहिए। और उसके लिए वो भिड़ किससे रहे, अश्वत्थामा से। अमिताभ वर्सेस प्रभास की जो बैटल है वो बहुत बार चलेगी और पिक्चर के एंड तक चलेगी, और वही चीज उनके कैरेक्टर की स्पेशलिटी होने वाली है कि जहां पे बाकी इंसान अश्वत्थामा से मार खा जा रहे हैं, इज लाइक नहीं, दिमाग यूज करके, पावर यूज करके कांटे की टक्कर दे रहा है और हो सकता है कि एंड में सरपास भी कर दे, क्योंकि उसी पहले ग्लिम्स के अंदर का ये शॉट है जहाँ पे वो एक लकड़ी पकड़ते हुए दिखाया और उसके बाद धीरे से आंखें उठा के देख रहे हैं। हो सकता है कि ये वो पावर अप वाला मोमेंट हो कि भाई
अब उसके अंदर की शक्ति जाग गई। लेकिन ये ट्रेलर 2 को देखने के बाद एक चीज क्लिक होती है कि शायद ये मूवी एक हैप्पी नोट पे खत्म ना हो। 2 मिनट 15 सेकंड पे जो शॉट है, टेक्स्ट लिखा होता है एंटर ए न्यू वर्ल्ड ऑन, डेट पे ध्यान मत देना, आते आते बोल दे भैया 1-2 दिन और वेट कर लो। लेकिन उसके पीछे अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो एक तरीके से ग्रहण लग रहा है। हो सकता है पहले से हिंट देने की कोशिश कि 27 तारीख को ग्रहण लगेगा भैया, उससे बचना है तो सब्सक्राइब।